खेतों में आए जो फसलें हो चांदी चांद गेहूं की बालियां जिंदगी बने हवा का मन भी बदले न घड़ी घड़ी इसका कटिहार पूर्व में पूर्णिया जिला का एक अनुमंडल जो 2 अक्टूबर 1973 में एक जिला के तौर पर अस्तित्व में आया। इस जिले का कुल रकबा है 3057 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 3015 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है ग्रामीण कटिहार का। कृषि और कृषि पर आधारित जनजीवन यहाँ की संस्कृति रही है सदियों से। कटिहार रेल, सड़क और जल मार्ग द्वारा प्रमुख व्यापारिक शहर कोलकाता से जुड़े होने के कारण हमेशा से व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। गंगा, कोशी और महानंदा के अद्भुत संगम पर बसे होने के कारण यहाँ की जमीन हर वर्ष फसली पैदावार की एक नई कहानी गढ़ रही है। बावजूद इसके भी कटिहार में प्रगति उतनी तेज गति से नहीं आ पाई है। इसका कारण है हर वर्ष होने वाली बाढ़ की त्रासदी। एक तरफ ये नदियां, ये अपार जल स्रोत यहाँ के आम जनजीवन के लिए जीवन का आधार हैं, वहीं इन नदियों का उफनता पानी कभी कभी इनके जीवन में शोक की लहर भी लेकर आ जाता है। लगभग हर वर्ष यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है। हर तरफ तबाही का मंजर होता है, जिंदगियां हाशिए पे होती हैं और हजारों के तादाद में लोग विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन के लिए भी एक चुनौती भरा कार्य होता है इन इलाकों तक मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति करवाना। बिजली आने से यही 4-5 महीना हो गया, लेकिन बहुत कष्ट में था पहले, बहुत कष्ट में था। बाढ़ आते था, पानी आते था, कभी मतलब जो सरकार उड़ा जहाज से दाना गिराते था भादो महीना, बढ़िया के बढ़िया चना
तो चूल्हा तो फेंक देते था कहीं लूटने के वास्ते, आदमी दौड़ता था कोई भी कहीं डूब जाते था। दो लड़का यहाँ से डूब के भस के चल गया यहाँ, ये गाँव का खाने के चलते बाढ़ पानी, हाँ दो लड़का चल गया यहाँ। विकास कार्यों की गति यहाँ के कुछ इलाकों में काफी धीमी रही है। बिजली और सड़क संपर्क यहाँ के कुछ गांव ने हाल ही के वर्षों में देखे हैं। ये निश्चय ही इस बात को दर्शाता है कि सुबह के सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन कटिहार भी प्रतिबद्ध है, वो हर मुमकिन कोशिश करने का जो इन इलाकों तक प्रगति कार्यों में गति ला सके। देखिए, कटिहार जिला में जो इसका पूर्वी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, उसके सभी करीब 7 ब्लॉक हैं जो नदियों से एकदम प्रभावित हैं। और जब बाढ़ की स्थिति आती है जुलाई से लेकर करीब करीब अक्टूबर तक, तो पूरे क्षेत्र पानी में डूबे रहते हैं। कुर्सेला है, बरारी है, मनिहारी, अहमदाबाद, आजमनगर, बारसोई, ये पूरे क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। चूँकि ये लो लाइंग एरिया है, समुद्र तल से इसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है और पूरा पानी फैला रहता है। इसके बावजूद भी बांध बनाए जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में, और सड़कें वहाँ बनाई जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा कई उसमें पुल बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवागमन नहीं बाधित हो और लोगों तक पहुँच रहे और लोगों की पहुँच मुख्य शहरों तक, मुख्य बाज़ारों तक रहे। तो जो विकास के काम हैं साथ साथ उसके चल रहे हैं। घर से निकलते रोड जाने में डर लगता था, अभी लाइट जो आया अपना अपनी दर्जा में लाइट टांग दिए तो बहुत बढ़िया है। सुनी में अच्छा लगता है, बुलने चलने में बच्चों के लिए डरने लगता है, शाम गुजर कर डरने लगता है, कैसे अब तो बहुत ही और हो गया ना बदलाव सर। अभी किसी के घर में पहले जो है लालटेन जला करते थे, दिया जला करते थे, अब बिजली का जैसे कनेक्शन कम्प्लीट होगा उसके बाद उसके घर में रोशनी हो जाएगी तो पढ़ाई का आसान हो जाएगा। पहले बच्चा 1 घंटा पढ़ा करते थे, अब जो है 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाई करेगा रोशनी की वजह से। यही मोबाइल वाइल ठीक वो करते हैं और जो है लाइट वगैरह से बेचते हैं, पंखा वंखा सब ये सब जो तार वोल वगैरह सब बेचते हैं। देखिए, जो गांव जो 970 गांव बता रहे हैं वहां पहली बार ही बिजली पहुंची है। ये जो 970 गांव है आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, उसमें 650 गांवों में आज बिजली पहली बार पहुंची है। और विद्युत जो मतलब दुनिया है उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। जिन गांवों में विद्युत पहुंच रहा है वहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, लोग अपना मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं, टीवी की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, लोग और टीवी लगा के दुनिया के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि जिन गाँवों में बिजली पहुँच रही है वहाँ वसुधा केंद्र या जो डिजिटल सेवा केंद्र है ऐसे केंद्र खोले जाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ और सेवाएँ जो ऑनलाइन सेवाएँ हैं वो गाँव में मिले। हमारे देश की और राज्य की सभी सरकारें गांवों को खुले में शौच मुक्त कर एक स्वच्छ भारत के निर्माण की मुहिम से जुड़ी हुई हैं, और इसका उदाहरण हमें कटिहार जिले के इन सुदूर गांवों में भी देखने को मिल रहा है। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं और साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ तक अब शौचालय की बात है तो शौचालय खुले से शौच मुक्त करने के लिए सरकार का अभियान है, इसमें हमारा पंचायत के लोग भी सहयोग किए। सरकार ने बनाया ऑर्डर दिया, घर घर शौचालय बनाइए, बाहर जाने से दिक्कत होता है महिला को मर्दों को, अपना अपना घर घर बनाइए, शौचालय पैखाना करने बाहर जाने से अच्छा नहीं रहता है। शौचालय बनाए गए बना के बोल के कोई नहीं, घर में बाल बच्चा की दिक्कत हो रात बिरात ये यही गुना बना लगे जनानी पत्थर बाहर जाए कोई मेरा दागलो झाड़ा फिरते बुटे पड़े बाबू की घर में दिक्कत है बना पड़े शौचालय। बाढ़ पानी आ गए 6 महीना रही गए बाढ़ पानी, ओकरे में दिक्कत हो इतना पानी हेली जाल हो बाढ़ पानी में पैखाना जखनी कंट्रोल हो पानी आवे तो खाना कम खाए पड़े ना बच्ची के पैखाना नहीं चल पा रहे। देखिए, भारत सरकार इसमें स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और बिहार सरकार ने उसे लोहिया स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिया है, और हम लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी जुड़े हुए हैं कि गंगा के किनारे रहने वाली
जितनी पंचायतें हैं उन पंचायतों को भी ओपन डिफिकेशन फ्री पंचायत या खुले में शौच मुक्त करना है। तो इस ज़िले का जो टारगेट था पिछले साल के लिए 27 पंचायतों का था, जिसमें हम लोगों ने 10 पंचायतों को ODF कराया है। इस साल हम लोगों ने पूरे ज़िले का टारगेट किया है, जो 238 पंचायतें हैं उन 238 पंचायतों में सघन रूप से हम लोग काम करेंगे और सभी पंचायतों में सभी वार्डों में सभी घरों में हम लोग शौचालय बनाने का काम करेंगे, ताकि लोग शौचालय बनाएं और शौचालय का इस्तेमाल करें, ताकि लोगों की आदतें सुधरें और एक स्वच्छ कटिहार का वातावरण बने।